ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के लिए मतदान शुरू हो गया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने शुरुआत में ही वोट कर दिया। पिछले 14 साल से ब्रिटेन में सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार विपक्षी लेबर पार्टी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में पहले सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया कि इस बार लेबर पार्टी को मजबूत बढ़त मिली है। वहीं ब्रिटेन के चुनाव में इस बार भारतीय मूल के लोग मुद्दा बने हुए हैं। भारतीय मूल के हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने 30 और लेबर पार्टी ने 33 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यूके में आज भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। देश के मतदाता पोलिंग बूथ पर वोट डालकर आज अपने देश की प्रधानमंत्री को चुनेंगे। ब्रिटेन में भी भारत की तरह उच्च सदन और निम्न सदन होता है। निम्न सदन में बहुमत का आंकड़ा पेश करने वाली पार्टी को प्रधानमंत्री पद के लिए न्योता दिया जाता है। ब्रिटेन के निम्न सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ब्रिटेन में कुल 650 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां पर आज एक साथ वोटिंग किया गया। आज आपको बता दें कि जो पार्टी इस चुनाव में बहुमत के लिए कम से कम 326 सीटें जीतेंगी, वही सरकार बनाएगी और उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। ब्रिटेन में यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो मौजूदा प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार बनाने का पहला अवसर दिया जाता है। पिछले करीब 1.5 दशक में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन, लेकिन इस बार यह कठिन मोड़ पर पहुंच गया है। दिसंबर 2019 में हुए पिछले संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की थी। अब आपको बता दें कि कल सुबह ब्रिटेन में चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। जी हां, ब्रिटेन में स्थानीय समय के अनुसार यानी आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, वहीं जो रात 10 बजे तक चलेगी। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगा। कल सुबह 5 जून को परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटेन में इस बार चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सीधा मुकाबला कीर स्टार्मर से है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऋषि सुनक अपने पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वोटिंग डालने आए हुए हैं, वोट किए। और इसी के साथ वोटिंग की बात करें तो हमारे भारत में जिस तरह से वोटिंग किया जाता है, उसी प्रकार से विदेश में भी यानी यूके में भी वोटिंग होती है। और इसी के साथ आज के ही सभी पदों पर वोटिंग हो जाएगी, यानी सभी क्षेत्रों में आज ही वोटिंग होगी और कल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहें तो 5 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है, 4 जुलाई को वोटिंग हुआ और 5 जुलाई को रिजल्ट सामने आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत हुई है, किसका हार हुआ, किसका सरकार बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री इस बार यूके के बनने वाले हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।